दो टिक्की, 10 रुपए में टिक्की चाहिए, इतनी क्या क्या है पैसे की आप 10 रुपए में क्या चाहिए? डबल टिक्की है, एक टिक्की ये है, एक अंदर और है इसमें अपना। 40 साल हो गई दुकान करे, बताइए सोचिए आप। ये बुला के लाए 15 दिन है, सोचिए आप। मतलब एक मिनट में कितनी टिक्की बना लेंगे आप? 10-15 पत्ते एक मिनट में 10-15 पत्ते बना लेंगे। हाँ 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 बिल्कुल, 1 रुपये स्टार्टिंग। हेलो गाइस, आज मैं आपको ले चलता हूँ ऐसी जगह यहाँ पे लखनऊ में आसपास क्या मतलब आसपास क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर किला चौराहा बंगला बाजार के आसपास क्षेत्र में कहीं ऐसी दुकान नहीं होगी जहाँ आपको इतनी कम दाम में टिक्की मिल जाए खाने के लिए। यानी बहुत कम दाम में यार, मतलब आप उम्मीद नहीं करेंगे 10 रुपये में 2 टिक्की, सोचिए आप। हमें तो लगता नहीं है लखनऊ के आसपास शहरों में नहीं मिलेगी इतनी, मिलती तो होगी लेकिन इतनी सस्ती नहीं मिलेगी आजकल। तो मैं ले चलता हूँ आपको इसकी बात दिखाने के लिए। देखते हैं लोगों पर कितनी भीड़ है यहाँ पे, गाड़ियाँ लेके लोग आते हैं खाने के लिए, गाड़ियाँ लेके आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, और भीड़ देखिए कितनी भीड़ होती है यहाँ पे आके। आइए ले चलते हैं आपके पास। देखिए लोगों के पास यहाँ पे कितनी भीड़ है, काफी लोग खा रहे हैं यहाँ पे। 10 रुपए में पेट भर के लोग खा लेते हैं आराम से, इतनी महंगाई के दौर में भी। किस सेक रहे, बड़े कादर से मतलब सफाई की मोह है इनका। चटनी बढ़िया बनाते हैं, दही बढ़िया बनाते हैं, और लोगों की लाइन लगी थी यहाँ पे खाने की। देखिए कितनी लोग लगे हुए लाइन पे लगे। एक एक टिकट खड़ी होती है इनके पास, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधे मतलब बना ही दे ऐसा नहीं होता है। साफ सफाई भी रहती है इनके पास। मटर है, मटर भवन मटर रखी है, सादा हाथ है। और यहाँ पे टिक्की का बहुत ज़बरदस्त स्वाद होता है खाने का भी। एक दिन में कम से कम मेरे अंदाज से 100-150-200 टिक्की ज़्यादा ऊपर ज़्यादा ली जाती है। मेरे सामने अभी भी देखते देखते 40-50 टिक्की तुरंत चली गई, मुश्किल से 15-20 मिनट हुआ होगा अभी, सोचिए हो आप। जब 15-20 मिनट इतना है तो मेरे तो कोई गिनती नहीं लग रही है यहाँ पर कितनी टिक्की चली जाती होंगी, लेकिन चल बहुत अच्छा है। अपन चलता तब भी खाने लगते हैं लोग यहाँ पे आके। टिक्की के वहाँ सब क्या रेट है? 10 रुपये पत्ते हैं, पत्ते में 2 टिक्की होती है इनके में। पानी बतासे हैं, पानी बतासे में भी बहुत अच्छा है, यानी 10 के 8 देते हैं। अभी 10 के 10 देते थे, अब थोड़े दिन 2-4 दिन पहले 8 दिन पहले ने दीपावली बाद उन्हें कर दिया, 2 पैसे कम कर दिए महंगाई के मारे। अब सोचिए वो आप, अब ये सोचिए कि 25 रुपये किलो आलू पड़ रहे हैं और करीब 170-180 रुपये घी पड़ रहा है, इसके बावजूद भी 10 रुपये की जोड़ा मिल रहा है। सोचिए आप 10 रुपये 2 टिक्की। देखते हैं भाई से बनवाते हैं, देखे कैसे बनाते हैं यार। भैया ये जोड़ ये बनाओ टिक्की बनाओ पत्ता ये। अभी भाई इसमें बहुत बिजी है बनाने में, बना के फुर्सत होने थोड़ा बात करते हैं। कब से इन्हें स्टार्ट किया है, कितना टाइम किया है इन्हें? भाई साहब दुकान लगे कितना टाइम हो गया अपना? 40 साल हो गई दुकान करे, बताइए सोचिए आप। 40 साल हो गई है, 40 साल में भैया इसी के मतलब दम पे चलता है दुकान, हिसाब से इनकी दुकान है। काफ़ी छोटी जरूर है लेकिन दिल बहुत बड़ा भैया का है, बड़े मन से खिलाते हैं। ना खाने इच्छा हो तब भी खिला देते हैं, तो इनके पास ऐसी इच्छा होती है। बस लो दिए कितनी दूर दूर गाड़ियाँ कहाँ से खड़ी गाड़ी लेके आ रहे हैं सोचिए आप। मैं भी आता हूँ इतनी दूर से आता हूँ खाने का, मौसी एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट से आता हूँ सोची खाने के लिए। ये तो 15 से है। हाँ भैया बुला के लाए 15 दिन है, सोचिए वो आप। सही बहुत बढ़िया भाई। नाम क्या अपना भैया? नाम क्या भैया अपना? मामा बताशे वाले के नाम। मामा बताशे वाले की दुकान नाम है, फेमस है। अभी मैं भी बनवाता हूँ, देखता हूँ खाओगे कैसा खाता हूँ रोज, लेके आज मैं दिखाऊंगा खा के आप द्वारा। लिया है उस हिसाब से नमक डाल दिया है, मसाला डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है, चटनी भी डाल रहे हैं, साथ में दही भी डाल दिया है, बतासी डाल रहे हैं उसमें। देखिए क्या स्वाद है इसमें, एक और डाल दिया है। 10 रुपये में टिक्की चाहिए, इतनी क्या क्या है पैसे की आप 10 रुपये में क्या चाहिए? डबल टिक्की है, एक टिक्की ये है, एक अंदर और है इसमें खाने। अब मैं इसे खाने के बाद बताता हूँ स्वाद कैसा स्वाद इसका है। देखने तो बहुत अच्छी लग रही, खरी है, चिप्सी बहुत है, देखने बहुत अच्छा लग रहा है।
वाह मजा आ गया, मतलब ऐसा लग रहा देखने में बहुत अच्छा टेस्टी लग रहा है, खाने भी बहुत टेस्टी लग रहा है। ऐसा मन चल रहा था मुझे एक क्या खा लूँ, एक दोनों और ले लेंगे, लेकिन फिलहाल एक ही खाते हैं। अच्छा बहुत लग रहा है, भाई लोग कितने भाई लोग खड़े हैं, खा के जा भी चुके हैं और लोग लाइन लगा के आ भी रहे पीछे से देखिए। दादा लगे हैं पानी पताशे खिलाने में, भाई लगा है उसमें टिक्की खिलाने में, बाकी देखिए कितने बढ़िया मतलब जम का है खाने का, मजा आ गया, वेरी गुड, बहुत मजा आ गया। कह रहे खाने के लिए आपकी लोकेशन क्या है, बताने की बताइए अपनी लोकेशन, किस तक कैसे आ सकते हैं, कहाँ से? पुरानी ज्वेलर, पुरानी जेल रोड, पुरानी जेल रोड बंगला बाजार लखनऊ में आ सकते हैं कभी भी, किसी को अरे ज़्यादा इंटरेस्ट हो खाने का, जब सस्ते बहुत सस्ता। आप देखिए किस महंगाई दौर में, जहाँ मतलब रिफाइंड चल रहा है 170 किलो, 25 किलो आलू चल रहा है, इतनी महंगाई के बावजूद भी भाई 10 रुपये की टिक्की दे रहे हैं, सोचिए आप, ये तो बहुत बड़ी बात है यार, इतनी भी सस्ती कौन देगा टिक्की, इसी हमारे लोगों का भाई का दिल भी इतना बड़ा है कि दीजिए ना, लोग खिला रहे हैं लगे हुए हैं, हाथ खाली नहीं रहते होंगे, हाथ बराबर चलते रहते बराबर, देखिए एक नए टिक्की बराबर बन रही, एक लोग भैया आलू बना टिक्की बना रहे हैं, अब भैया दे रहे हैं तो भैया की हैबिट बहुत ज़बरदस्त है इसमें है बनाने की। एक मिनट में कितनी बना लेते हैं भैया आप, एक मिनट में टिक्की कितनी बना लेंगे आप, एक बार में टिक्की कितनी बना लेंगे, मतलब एक मिनट में कितनी टिक्की बना लेंगे आप, 10-15 पत्ते, एक मिनट में 10-15 पत्ते बना लेंगे भाई लोग यहाँ पे टिक्की बनाते हैं, कैसे लगा टिक्की खाते हैं भैया आप लोग? बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई जी, हाँ 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 बिल्कुल, 1 रुपए स्टार्टिंग, सस्ते बताते सभी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कहाँ से आप लोग आए? बिजनौर से, बिजनौर से इतनी दूर से बिजनौर खाने के लिए लगाए, कम से कम 10 किलोमीटर दूर बिजनौर पड़ता है, बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया, चलो ओके ओके। स्टेशन बॉस पे इसकी आपकी एचिट लोकेशन मिल जाएगी इसकी पूरी आपको, और वीडियो अच्छी लगे पूरी लोकेशन मिल जाएगी आपकी, जो लेना चाहेंगे आप, और वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो उसकी लाइक करिए, शेयर करिए, प्लस सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा इसकी, क्योंकि वीडियो में मालूम जरूर अच्छी लगी होगी आपको, क्योंकि 10 रुपये टिक्की मायने रखता है। देखिए आपके सामने लोग बिजनौर से, बंसरा से, आलमबाग से कहाँ कहाँ लोग खाने के लिए आ रहे हैं, मैं तो जानता नहीं यहाँ पे आसपास के लोग के आसपास के इलाके में भी नहीं होगी 10 रुपये टिक्की, इसलिए नहीं होगी तो महंगाई दौर इतना चल रहा है इसलिए, वैसे तो मानता हूँ मैं, अब समझो 10 रुपये 8 बताचे ने अभी किए हैं इन्होंने, इससे पहले 10 के 12 थे बताचे इनके, जब लोगों के यहाँ 10 के 8 मिलते 6 मिलते तब इन्होंने 10 के 8 किए थे इन्होंने, अब आज सोचिए टिक्की दी है 10 रुपये टिक्की चल रही है, बहुत बड़ी बात है भैया, इतना भाई का दिल होना चाहिए, तो भाई भी कहते हैं बहुत बिजी हाथ में तो चला रहे बराबर बिजी, इनका खाली नहीं रहते हाथ इसलिए, बस यही है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ओके बाय बाय बाय।